Okay शुरुआत करने देंगे उम्मीद करो कल का लेक्चर आपको समझ में आया है और हम लोग बढ़ते हैं आगे ओके रेडी सो गाइज वी है फर्स्ट चैप्टर और बिफोर वी स्टार्ट विदरस्टैंड की आखिर हमने कल क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें पड़ी द ये वाली स्लाइड आपको कल पता होगी जो मैंने आपसे करवाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि एंटायर एफ एम इज डाउन टू टू पार्ट एंटायर एफ एम इज अ ब्रोकन डाउन इंटू टू पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट इज एंड द फर्स्ट पार्ट इज प्रोक्योरमेंट एंड द सेकेंड पार्ट इज यूटिलाइजेशन ओके फाइन समझ में आ रहा है फर्स्ट पार्ट इज प्रोक्योरमेंट एंड से दोस्तों पूरे एफ एम के अंदर बेसिकली दो बातें बाते कोई भी लेटेड अगर धंधा करना है तो पहले धन की आइडिया होती है और फिर उस आइडिया को मुनासिब करने के लिए आपको फाइनेंस लगता है तो फाइनेंस लगता है उसके लिए चार चैप्टर जिसको हम लोग प्रोक्योरमेंट कहते हैं और वो जो पैसे हमारे पास में आ जाते हैं उसको सही जगह पे लगाने के लिए हमारे सिलेबस में चार चैप्टर्स और दिए जिसको हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कहते हैं कल भी भी, हमने डिस्कस किया था जब हम लोग कोई कोई चीज पैसा प्रोक्योर करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं उसको हम लोग सोर्सिस ऑफ फाइनेंस कहते हैं हमारे पास में हो सकता है लोन का पैसा आ सकता है कभी धंधा करने के लिए लोन से पैसे ले सकते हैं कुछ लोग शेयर से पैसा लेते हैं कुछ लोग डिबेंचर से पैसा लेते हैं कुछ लोग इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लेते हैं कुछ लोग अपने दोस्तों से ले लेते हैं कभी कुछ लोग अपने कंपनी का जो आज तक जो पैसा कमाया है जिसको हम लोग रिजर्व कहते हैं वहां से पैसा लेते हैं तो अलग तरीकों से पैसा उपलब्ध किया जाता है तो ये समझने के लिए हमारे पास चैप्टर वन है जिसको हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस कहते हैं दूसरी बात आती है हमारे पास में जब हम लोग ऑफ़ फाइनेंस को करे, तो हमने क्या चीज को ध्यान में रखना चाहिए तो हमने कल इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि जब भी हम लोग सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को डिसाइड करते हैं हमारे दिमाग में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए हम लोग उसी उसी सोर्स को हमने सेलेक्ट करना चाहिए जिसकी कॉस्ट कम है कि ज्यादा है जिसकी कॉस्ट बहुत कम है और कम कॉस्ट वाले सेलेक्ट करना चाहिए जब भी हम लोग सोर्स को सेलेक्ट करते हैं हमारे दिमाग में यह नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने सिर्फ सोर्स को अवेलेबल करना है हमारे दिमाग में यह चीज होना चाहिए कि वो सोर्स कौन सा सबसे कम वाला है बिकॉज अगर मेरी कॉफ्टी मैंने कल आपको पुणे के बिल्डर एग्जाम्पल लिया था एक बिल्डर है जो चार से इंटरेस्ट चार से कैपिटल अवेलेबल करवाता है

जहां तक रिलायंस का सवाल है उन्होंने ज्यादा इक्विटी और रिजर्व का इस्तेमाल किया है और डेट का इस्तेमाल कम किया हुआ है यह उनका अपना कैपिटल स्ट्रक्चर है अगेन कैपिटल स्ट्रक्चर विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी हर कोई कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर रिलायंस जैसा ही हो यह जरूरी नहीं है और हमने कल एक लास्ट में एक चैप्टर की शुरुआत की जिसका नाम है लेवरेज और लेवरेज चैप्टर हम लोग अब चालू कर चुके हैं आज लेवरेज के ऊपर कई प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी देखेंगे और हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज भी देखेंगे

टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट एक तो फिक्स कॉस्ट एक तो वेरिएबल कॉस्ट है ना वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल जितना सेल ज्यादा उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा पर आपका सेल चाहे जितना भी ज्यादा हो आपकी फिक्स उतनी ही रहती है आपकी कोई भी कॉस्ट मान लीजिए आपका रेंट उतना ही रह जाता है उसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं तो कोई भी ऐसी कॉस्ट हो जो सेल के मुकाबले में बढ़ती नहीं इेस्पेक्टिव द सेल इफ द कॉस्ट इज रिमेनिंग सेम Kind of okay? की फैक्ट्री की बात करता हूं है वो हो जाएगा जितना आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे जितना सेल करोगे उतनी ज्यादा शुगर केन लगेगी यानी कि रॉ मटीरियल जो हमेशा होता है इट इज ऑलवेज अबल कॉस्ट ऑलवेज ओके पर कुछ कॉस्ट होती है आपके सेल हो ना हो अगर वो कॉस्ट लगती ही है तो हम लोग उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने क्लास अभी पूना में मेरी क्लास चल रही है या नहीं चल रही है लॉकडाउन चल रहा है फिर भी मुझे अगर रेंट देना ही पड़ रहा है तो ऐसे रेंट को मैं फिक्स्ड कॉस्ट कहता हूं अगर मैं दूसरी बात कह दूं अगर मैंने कोई बैंक से लोन लिया है मेरा धंधा चले ना चले मेरा सेल्स होए ना हो फिर भी अगर मुझे बैंक का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ऐसे इंटरेस्ट को मैं फिस्ट कॉस्ट कहता हूं आर यू अंडरस्टैंडिंग एम इतना हिमाग करो देखो ऐसा कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं कि फिस्ट क्या है और ये क्या है ऐसा कुछ नहीं होता अगर आपका सेल बढ़ रहा है और कुछ कॉस्ट बढ़ रही है तो समझ जाना वो वेरिएबल कॉस्ट है आपका सेल हो रहा है नहीं हो रहा है फिर भी वो कॉस्ट लग रही है उसको क्या बोलेंगे फिक्स कॉस्ट बोलेंगे तो दोस्तों इस पूरे पूरे लेवरेज चैप्टर में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहे हैं जिनको गहराई में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है सो तो दोस्तों आओ हम लोग एक चार्ट बनाते हैं बीच में लिखते कॉस्ट, उसके बनाते हैं दो बच्चे ओके, ऐसा लिखो, बीच में लिखेंगे, उसके दो बच्चे बनाएंगे एक से करेंगे, और, दूसरे से करेंगे, so, cost, और दोनों को समझेंगे एकदम गहराई में बिकॉज ये दो कॉस्ट आपको परेशान ना करे बिकॉज इन दोनों उपयोग लेवरेज में बहुत ज्यादा होता है आइए दोस्तों सीधा हम लोग ले जाते हैं आपको यहां पे। मेरे सामने एक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहां पे कुछ लिखा हुआ है सबसे पहले देखते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट वर्सेस वेरिएबल कॉस्ट यहां पे कुछ बातें लिखी है बस दो लाइन पढ़ते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए फिक्सड कॉस्ट वर्सेज वेरिएबल कॉस्ट इज द डिफरेंस इन कैटेगराइजिंग बिजनेस कॉस्ट एज इधर स्टैटिक और फ्लक्चुएटिंग बराबर है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंसेस दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर द पीरियड ऑफ टाइम इन ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी हो जाए चाहे सेल्स कितना भी हो जाए अगर वो कॉस्ट आपकी सेम रहती है तो हम उसको कॉस्ट क्या कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं लाइक रेंट लाइक सैलरीज लोन पेमेंट ये सारी चीजें चाहे मेरा सेल हो रहा है नहीं हो रहा है प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है फिर भी मुझे अपने इंप्लॉयज को सैलरी देना ही है इसका मतलब ये हुआ है कि सैलरी हमारी फिक्स्ड हो जाती है मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लो लॉकडाउन चल रहा है अभी तीन महीने से ऑफिस बंद है कुछ जो जो मेरे के का काम करते हैं जो मेरे ऑनलाइन डिपार्टमेंट में नहीं है पर जो पूना की क्लासेस को मैनेज करते हैं मेरी क्लासेस बंद है फिर मैं उनको सैलरी दे रहा हूं मेरी क्लासेस बंद है फिर भी मैं ओनर को रेंट दे रहा हूं मेरी क्लासेस बंद है अगर मैं उसका लोन लिया है उसका इंटरेस्ट दे रहा हूं इन सारी चीजों को मैं क्या कहता हूं फिक्सड कॉस्ट कहता हूं आओ आगे देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट आर एक्सपेंसिस एंड प्रपोर्सनेटली टू चेंज इन द बिजनेस एक्टिविटी लेवर और वॉल्यूम जितना आप सेल करोगे जितना प्रोडक्शन करोगे अगर वो कॉस्ट बढ़ रही है ऐसी सारी तमाम कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट उसका लेंगे हम लोग कौन से कौन से जैसे कि एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर जैसे कि जो फैक्ट्री के लेबर डायरेक्ट लेबर समझता हूँ आपको जो फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन जितना प्रोडक्शन लगेगा उतना आपका लेबर बढ़ रहा है यानी कि वो लेबर कॉस्ट कंफ्यूज मत होना कॉस्ट लेबर की दोनों भी कैटेगरीज में आ सकती है दुनिया में दो टाइप के लेबर है समझ में आ रहा बढ़, है ना तो मतलब तो पर ऐसे कुछ लेबर है धंधा चले ना चले फिर भी लेबर रहते ही है तो उसको हम लोग फिक्स मानेंगे कंफ्यूज मत करना आपको सवाल पूछने वाले नहीं है कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट बट जब मैं लेवरेज पढ़ाता हूं तो वेरिएबल और फिक्स डिफरेंस बार बार मतलब वो बैकएंड में आपके दिमाग में रहता है तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती है तो इसलिए जाना बहुत जरूरी कंसेपचुअली बहुत जरूरी हो जाएगा चलो मैं आपसे एग्जाम्पल एक एक पूछता हूं अगर मैं शुगर फैक्ट्री की बात करता हूं तो शुगर केन क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा आपसे मेरा एक सवाल है आप जब बताओ इनकम टैक्स की बात करेंगे इनकम टैक्स क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो फिक्स कॉस्ट नहीं जितना आपका आउटपुट होगा जितना धंधा होगा जितना प्रॉफिट होगा उसके मुताबिक आपका टैक्स भी बदलेगा इसी तरह से दोस्तों आपको वहां पे लिखना है जो मैं एग्जांपल बोलूंगा आप बराबर से जगह लिखना ओके रेंट कहा लिखेंगे रेंट फिक्स धंधा चले ना चले गोड़ा का भाड़ा तो देना ही है चलो बात करेंगे इंटरेस्ट और लोन फिक्स कॉस्ट धंधा चले ना चले बैंक आपको लोन का इंटरेस्ट नहीं छोड़ेगी चलो बात करेंगे आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं आपका धंधा चले ना चले सपोज मैंने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है तो क्या मुझे उसका धंधा चले ना चले इंटरनेट और टेलीफोन का जो फिक्स कॉस्ट है वो लगने ही वाला है तो लिखिए वहां पे। इंटरनेट कॉस्ट टेलीफोन कॉस्ट चलो मैं बताओ एक सवाल पूछेंगे आपसे रॉ मटेरियल कॉस्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सही इनकम टैक्स वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सही जीएसटी की आएगा, वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सही जवाब कमीशन ऑन सिल वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उसके मुताबिक ही वहां पे कमीशन भी चेंज होगा उसके बाद में आपसे सवाल है Uh, चलो मैं आगे बढ़ता हूं यह बात शायद से आपके सभी क्लियर है एक लाइन आपको लिखना है इेस्पेक्टिव ऑफ द सेल इट विल ऑलवेज रिमेन सेम इेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट इेस्पेक्टिव आउटपुट कॉम वॉल्यूम इट विल रिमेन सेम कहां पे आएगा फिक्स कॉस्ट में आएगा इट चेंजेस इन द प्रपोर्शन ऑफ सेल चेंजेस इन द प्रपोर्शन ऑफ सेल कॉस्ट, बिल्कुल सही ये बात क्लियर है आपको अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों इस पूरे लेवरेज को समझने के लिए आपको यहां पे आना बहुत जरूरी चलो आगे बढ़ते हैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस चीज को हम लोग ध्यान में रखें इसके पहले आगे बढ़े आपके सामने स्क्रीन पे आपके एक इनकम स्टेटमेंट दिख रहा होगा कभी भी इस चीज को पूरे के पूरे जब हम लोग वेन वी लर्न अबाउट लेवरेज चैप्टर वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है सबसे पहले क्या होता है सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं फिर क्या आता है कॉन्ट्रीब्यूशन आता है और कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो फिर क्या आता है ईबीआईटी आता है और ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं इंटरेस्ट फिर क्या आता है ईबीटी आता है ईबीआईटी का मतलब क्या है

टैक्स को सबसे अंतिम में माइनस किया एक काम करो पहले टैक्स को माइनस कर दो और फिर इंटरेस्ट को माइनस कर दो ऐसा क्यों नहीं होता क्योंकि बात एकदम सीधी है पहले इंटरेस्ट माइनस होता है और जो बाद में बचता है वही प्रॉफिट होता है और उसी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दिया जाता है पहले क्या माइनस होगा जितना मैं फॉर एक्साम्पल सौ मैंने तो पहले इंटरेस्ट माइनस करो टैक्स माइनस करो मान लो बीस रुपए इंटरेस्ट हो बीस रुपए माइनस करूंगा तो फिर कितना बचेगा अस्सी और अस्सी के ऊपर टैक्स लगेगा क्या होगा अगर मैंने पहले ही टैक्स माइनस कर दिया तो फिर तो सौ रुपए का टैक्स हो जाएगा इसलिए पहले क्या माइनस करना चाहिए इंटरेस्ट इज टू बी डिडक्ट फर्स्ट और जो अमाउंट बच जाती है उसके ऊपर टैक्स लगता है इसलिए याद सारे खर्चे माइनस होने के बाद ही टैक्स को माइनस किया जाना जरूरी है अनलेस एंड एनटिल यू डिडक्ट ऑल द ऑल द एक्सपेंसिस यू के नॉट डिडक्ट टैक्सेस तो टैक्सेस शुड बी एट दू एंड में ही होना चाहिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों सेल्स करेंगे फिर माइनस क्या हो वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है या कोई भी चीज जो प्रपोर्सन में चेंज होती है आपके जो भी वेरिएबल कॉस्ट ये ऑपरेशनल वेरिएबल कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट उसके उसके बाद बाद में में क्या 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 बचेगा माइनस 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 करते 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 हैं 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 तो हम लोग इंटरेस्ट और फिर क्या माइनस होता है टैक्स ओके फाइन अब आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं यहां पे आपको इस पूरे स्क्रीन पे एक बात याद रखने जैसी है अब थोड़ा सा दिमाग आप अगर चलाओगे तो आपको कंफ्यूजन चालू होगा दिमाग दिमाग लगाना आप बहुत होशियारी वाला जवाब रेंट है वो भी फिक्स कॉस्ट है इंटरेस्ट है वो भी फिक्स कॉस्ट है फिर यहां पे पहले फिक्स कॉस्ट लिखा है और फिर इंटरेस्ट अलग से लिखा है तो ऊपर वाली जो फिक्स कॉस्ट है जो यहां पे हम देख रहे हैं ये जो फिक्स कॉस्ट आप देख रहे हो यहां पे क्या माइनस हो और यहां पे क्या माइनस हो ये भी तो वैसे फिक्स कॉस्ट ही होती है इंटरेस्ट याद रखना आपको ये है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है और ये जो इंटरेस्ट है दोनों भी तो फिक्स्ड कॉस्ट ही है तो फिर उसको इसमें क्या डिफरेंस है ओके तो इसीलिए आप जान ले ये जो दोनों भी एक्सपेंसेस है ना ऊपर के इसको हम लोग क्या कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और यहां पे क्या लिखते हैं इसको फाइनेंशियल एक्सपेंसेस समझ मैं में आया क्या बोलो ऑपरेशनल yes. यानी कि अगर मैं रेंट की बात करूं रेंट इज द फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट इज द फिक्स कॉस्ट बट इंटरेस्ट इज द फाइनेंशियल कॉस्ट दैट्स वाई इट विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दिस फिक्स कॉस्ट वहां पे क्या अगर मैं रेंट बोलो तो रेंट कहां पर आएगा फिक्स कॉस्ट के कैटेगरी में आएगा वाई इंटरेस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑलरेट इज अ फिक्स कॉस्ट

प्रोडक्शन व चेंज नहीं होती तो एम्प्लॉय की सैलरी कितना फिक्स कॉस्ट मतलब वो जो ऐसा ऐसा एम्प्लॉई देखो अगर आप बोलेंगे एक आपको अगर देखना है तो मैं आपको ये बात समझा दूंगा आप आप ही खुद देख लेना यहां पे इधर आओ आपके सामने स्क्रीन पे एक डायरेक्ट लेबर दिख रहा होगा जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो ना डायरेक्ट लेबर तो ये हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर मैं अगर यहां पे बोलता हूं एम्प्लॉय की सैलरी तो इसका मतलब हो गया

पर कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो डायरेक्ट लेबर होते डेली प्रोडक्शन है, है तो नहीं देंगे ऐसे को क्या आपका धंधा चले या ना चले पर आपको उनको सैलरी देना ही है लॉकडाउन हो चाहे ना हो सैलरी देना ही है तो कौन सा कॉस्ट हो जाएगा फिक्स कॉस्ट तो मतलब वो कौन से कैटेगरी में आएंगे इस फिक्स कॉस्ट में आएंगे तो बताओ इस फिक्स कॉस्ट में कौन सी कौन सी चीजें आप लिखेंगे यहां पे रेंट सब कुछ लिखेंगे salary? देखो यहां पे मैं लिखता हूं रेंट सैलरी समझ में आ रहा है आपको yeah. और ये इंटरेस्ट अलग तो ये वाली जो चीजें है ना यहां तक मतलब कि पूरा इनकम स्टेटमेंट इज अ ब्रोकन डाउन इंटू टू पार्ट कौन से कौन से पार्ट में डिवाइड होता है वो बताओ कौन से कौन से पार्ट में डिवाइड हो रहा है हा ये फाइनेंशियल और ये ऑपरेटिंग समझ में आ रहा हूँ ये बात आपको क्लियर होना बेहद जरूरी है ठीक है ना नहीं तो वरना आप बोलेंगे ये भी वो भी फिक्स फिक्स है है वो कैसे ऐसे कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा से ऊपर अलग इस नीचे अलग होती है यहाँ पे जो इंटरेस्ट है यहाँ जो टैक्स है ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं ये होते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कोई प्रोडक्ट बनने तक के जो खर्चे होते हैं उसको ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में कंसिडर किया जाता है ठीक है ना ओके ओके आई होप इट इज क्लियर क्लियर वेरी मच या अब यहां पे जैसे मैंने रेंट सैलरी लिखा है तो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट में क्या लिख सकता हूं पे लिख दूं मैं मैं लिख और क्या लिख दू क्या डायरेक्ट लेबर लिख दू बिल्कुल हाँ ये सब वेरिएबल कॉस्ट माने जाएंगे समझ में आ रहा है रॉ मटेरियल है डायरेक्ट लेबर है इन सबको वेरिएबल कॉस्ट माना जाता है फिक्स कॉस्ट में रेंट सैलरी माना जाता है और ये इंटरेस्ट है और ये टैक्सेस है ठीक है ओके आप कहेंगे सर इस चीज को हमने इतना डिटेल में क्यों देखा बिकॉज जब भी मैं लेवरेज पढ़ाऊंगा तो लेवरेज करते समय हर कोई प्रॉब्लम ये सबसे पहले गुजरना होता है और आपकी चीज दिमाग में अब ऐसे एग्जामिनेशन में ये नहीं बोलते रेंट इतना है सैलरी वो डायरेक्ट वो खुद ही बोलते वेरिएबल कॉस्ट इतना है फिक्स्ड कॉस्ट इतना इंटरेस्ट है हमें वो इसमें उलझाएंगे कि आप बताओ फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल है ऐसे प्रश्न देते नहीं है पर क्या होना अगर मैं ये सारी चीजें ऐसे ही बताऊंगा जैसे उसमें लिखी हुई है तो आप मेरे पास में क्यों बैठे हो अगर आपको मैं उसके इंसाइट नहीं बताऊंगा आपको मैं उसके बारे में ज्ञान नहीं तो आपको मजा तो आना चाहिए पड़ के हाँ मतलब मेरे दिमाग में पूरी क्लियरिटी होना चाहिए कहीं घर से ये ये आपके दिमाग में सारा इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट और उसको अलग क्यों लिखते हैं आपके दिमाग में क्लियरिटी होना चाहिए वो फाइनेंशियल कॉस्ट इसलिए उसको बाजू में लिखा जाता है और आपको अगर ये समझ में आए ना तो आपको समझ में आएगा कि डॉल और डीएफएल में फर्क क्या है क्योंकि डॉल इज ऑल्सो इधर देखना डॉल इधर स्क्रीन पर देखना डॉल इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट डॉल में हम लोग क्या चेक करते हैं डॉल में क्या चेक करते हैं डॉल में डॉल में चेक करते हैं डॉल में भी फिक्स कॉस्ट होती है और डीएफएल में भी फिक्स कॉस्ट होती है दोनों में भी फिक्स कॉस्ट होती है पर आप बोले सर डॉल में क्या लिखा है ऑपरेटिंग लेवरेज लिखा है और डीएफएल में क्या लिखा है फाइनेंशियल और वो होता क्यों हो है यहां पे लिखा है टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट और यहां पे लिखा है टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट अब समझ रहे डॉल और डीएफएल में फर्क क्या है और आपको ये भी समझ में आ रहा होगा मैंने वहां पे क्या बोला था वहां पे डॉल इज अबाउट व्हाट टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और डीएफएल मतलब क्या टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट फिक्स फिक्सड पूरा लेवरेज जो चैप्टर वो कॉस्ट के ऊपर है वो यही बोलता है आप चाहे जितना भी सेल कर लो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट अगर सेम है तो क्यों ना हम लोग ज्यादा सेल करके लेवरेज उठाए क्यों ना हम लोग ज्यादा सेल करके ज्यादा प्रॉफिट करें हमारा सेल एक प्रमाण में बढ़ेगा पर प्रॉफिट उससे

बाबा के हरिद्वार में बहुत सारी फैक्ट्री है और बाबा का नाम बहुत है चलो एक नाम देते बाबा की घी की फैक्ट्री देखते बाबा रामदेव रामदेव घी का फैक्ट्री देखते ये है बाबा रामदेव की घी की फैक्ट्री आपके सामने और ये देख आप बता दो वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है ये, ये आपके सामने। और क्या है आप मुझे

भारत में फेमस बहुत ज्यादा है घर-घर में पहुंचता है आइए इस फैक्टर को देखिए हरिद्वार से सीधा प्रसारण आपके सामने केसर चोनप्रस मसाले और दवाइयां ये ऐसी चीजें हैं इनमें जिनमें सबसे ज्यादा मिलावट होती है आज जब बाजार से व्यक्ति घी खरीद के लाता है वहां से फिर मक्खन बना करके हम यहां लेकर के आते हैं जिसे बाबा अपने फैक्ट्री दर्शन करवा रहे हैं आपको जरा देखिए उसको और बल मिलेगा ये पतंजलि की घी बनाने की यूनिट है यहाँ घी तैयार किया जाता है महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु केरल और आंध्र प्रदेश कुछ कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी है जहां गाय पाली जाती है क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर आपको भैंस मिलेगी नहीं इसी तरह से उत्तर कर्नाटक में थोड़ी बहुत कहीं कहीं भैंसे हैं दक्षिण कर्नाटक में आपको भैंस का दर्शन ही नहीं होगा और यदि किसी ने शौकिया रखी हुई हो तो उत्तर भारत से गए हुए कुछ वैश्य परिवार हैं जिन्होंने वहां भैंस आदि रखा हुआ है पूरे दक्षिण भारत से कुछ मध्य भारत के हिस्सों से थोड़ा बहुत हम रोज करीब 200 टन से लेकर के 250 टन मक्खन का कलेक्शन करते हैं वहां आपके सामने कुछ सुनाई दिया मैंने क्या कहा बाबा ने बाबा मक्खन लेके आ रहे मतलब घी बनाने का रॉ मटेरियल जो है वो मक्खन है हम जो घर में घी खाते हैं वो घी डायरेक्टली नहीं बनता उसके लिए मखन की जरूरत है तो आपको समझ में आया होगा उस इनकम स्टेटमेंट में देख के मखन इज द कॉस्ट और इट इज फाइनेंशियल कॉस्ट और इट इज द वेरिएबल कॉस्ट इट इज द वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये आप देख देख के के फैक्ट्री को बता दोगे क्या कभी कभी होता है ना थे कुछ चीजों को समझाना भी और समझना भी मुश्किल हो जाता है अब जब बाबा की फैक्ट्री देखो ना आपको ना सर इतना ईजी था क्या ओके okay, फाइन अब जरा और देखो बाबा क्या बताएंगे आपको पूरा एक सुव्यवस्थित दूध के कलेक्शन की चैन हमने वहां पर खड़ी की है वहां से फिर मक्खन बना करके हम यहां लेकर के आते हैं जैसे अब ये यहां पीछे से आपको ले चलेंगे वहां पर भी पहले मक्खन को मेल्ट करते हैं मेल्ट करके पूरे ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है लाइन लगी हुई है इसे लाइन के थ्रू फिर वो नीचे यहां आप देख रहे हैं मेल्ट होकर के नीचे गिर रहा है यहां आप स्वच्छता देख सकते हैं ये सारा स्टेनलेस स्टील का पूरा प्लांट लगा हुआ है इसमें एक ग्राम भी एक रत्ती भर भी आपको कहीं पर भी कोई गंदगी नजर नहीं आई बाबा का मार्केट वहाँ ये सारा घी अब जैसे मेल्ट हो करके वहां से मक्खन आ गया अब इसमें पकेगा 108 डिग्री तो से 110 डिग्री तो की आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे मतलब इस प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा ये है ये प्लांट है ये प्लांट है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ ये प्लांट है प्लांट ओके ये प्लांट इसको कहीं करोड़ों में खरीदा होगा बाबा ने राइट आपको ये भी सोचना पड़ेगा जो प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा आपको सोचने की बात है प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है जो आप चलाए न चलाए आपको लगने ही वाला है आप इसको फिक्सड ऑपरेशन कॉस्ट कहेंगे या फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कहेंगे ऑपरेशनल कॉस्ट है आपको ये क्लैरिटी आने दीजिए उसके बाद आपने कहीं एम्प्लॉयज को बाबा के साथ में काम करते हुए देखा होगा ठीक है ना आपको ये भी समझना होगा आगे देखिए बीच हम इस घी को पकाते हैं हर एक चीज का एक सेट मेथड है इसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे सैनी साहब गिरिराज जी ये, ये यह की इस प्लांट के हेड हैं ये लोग इसको वाच करते हैं पूरा इसके नीचे एक पूरी टीम है करीब छह सौ लोग यहां पर काम करते हैं अलग अलग जगह पर यहां कुल मिलाकर के घी और पीछे शहद का प्लांट है वो एक अलग है जैसे यहां से घी फिर इधर से पकने के बाद फिर इन 600-700 एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है ये मान के चलते हैं कि ये एम्प्लॉय जो है काम रहे ना रहे अगर बाबा के पास ही रहते होंगे तो उसको फिक्स्ड ऑपरेशन कहेंगे और अगर ये होंगे कि जब काम में हैं, तो हम इस मानेंगे, बात तो है तभी तो का रहते आपको यहां पे फैक्ट्री को देखते समय क्या आपको लगता है बाबा की भी कुछ फिक्सड फाइनेंशियल हो सकती है yes, क्या ये फैक्ट्री में कोई फाइनेंशियल कॉस्ट तो दिखाई नहीं दे रही मुझे बाबा ने हो सकता है ये फैक्ट्री का पूरा सेटअप जो है बैंकों से कर्जा लेकर किया होगा और उस कर्ज पे बाबा काम करे ना करे उस पैसों पे काम करे ना करे वो मशीन जो ली है उस पर काम करे ना करे पर बाबा को एसबीआई का लोन तो चुका ही है उस पर इंटरेस्ट तो देना है इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहां पे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो दोस्तों आपको इस बहुत अच्छे से समझने वाला है

तो 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 क्या बचेगा कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब बाबा क्या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी माइनस होगा जैसे कि रेंट माइनस होगा जैसे कि बाबा के जो भी और कोई डेप्रिसिएशन तो वो भी माइनस हो जाएगा उसके बाद क्या होगा ईबीआईटी दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फिर माइनस किसको करेंगे इंटरेस्ट को माइनस करेंगे फिर क्या बचेगा ईबीटी दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स और माइनस क्या करेंगे टैक्स करेंगे और फिर क्या बचेगा तो यही तो चीजें है यही तो सारी चीज आपके सामने है। आप इसको देखने के लिए अब आगे बढ़ना होगा आई होप एवरीपल को लिया था okay? कल हमने एक एक को लिया था उसको आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे अब आप चलो आपसे एक सवाल पूछता है कि यह है बाबा रामदेव का पतंजलि थोड़ा सा रिवर्स आपके लिए करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे आज प्रॉब्लम नंबर वन इसके ऊपर निर्भर है ये हमारा सेल है जो बाबा के पतंजलि की मैं घी की बात करो पतंजलि घी की बात करो और घी की फैक्ट्री का सेल पहले वन थाउजेंड करोड़ का था अब वो सेल हो गया टू थाउजेंड करोड़ का माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट मान के चलते हैं बाबा का वेरिएबल कॉस्ट चालीस परसेंट है ये चार सौ करोड़ और ये हो जाएगा आठ सौ करोड़ अब क्या बचेगा इधर छ सौ करोड़ और इधर बचेगा बारह सो करोड़ ये क्या बोलेंगे इसको कॉन्ट्रीब्यूशन फिर माइनस किसको करेंगे फिक्स कॉस्ट तो बताएंगे मान के लेते फिक्स कॉस्ट दो की है तो आप बताएंगे घी का प्रोडक्शन चाहे 1000 करोड़ का हो चाहे 2000 करोड़ का हो बोलो जल्दी से हो सकता था बाबा पहले एक शिफ्ट में काम कर रहे होंगे दो शिफ्ट में काम करेंगे या फिर तीन शिफ्ट में काम कर देंगे इसका मतलब बाबा का जो फिक्स्ड था बोलो क्या

डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज इसको हम लोग कहते हैं डॉल बात करेंगे ऑपरेशनल लेवरेज मतलब टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अब बताओ बाबा ने अपना धंधा कितने से बड़ा है 1000 का 2000 किया यानी कि 100% की ग्रोथ हुई है सेल्स में तो होना तो यही चाहिए था कि हमारा ईबीआईटी भी 400 से 800 होना चाहिए था पर वो 800 नहीं हुआ वो 800 से ज्यादा हुआ यानी कितना हुआ 1000 हुआ है अब बताएंगे ऐसा जो हुआ है इसमें ग्रोथ कितनी हुई है तो अब चार का हजार हो गया या देखिए कितना बड़ा 600 बड़ा 400 पे तो उसको कैसे निकालते हैं लोग ऐसे यहाँ पे हम लोग कितना परसेंटेज लिखेंगे ऊपर हमने क्या लिखना है यहाँ पे तो 100 परसेंट चेंजेस किस में हुआ है अब उसका फॉर्मूला क्या आप देख लेंगे चेंजेस इन परसेंटेज चेंज नीचे क्या है सेल्स सेल्स ऊपर क्या है परसेंटेज ईबीआईटी e ये बात क्लियर है बहुत अच्छी बात तो बताएंगे परसेंटेज इन सेल्स कितना तो, सेल्स कितने तो, कितने गुना बढ़ा है 100% से सेल बढ़ा है पर बदले में जो इनका ईबीआईटी e बढ़ा है वो कितने परसेंट से बढ़ा है वो 400 था और 400 पे 600 हुआ है यानी कि उसको मैं कितना कहूंगा 150% परसेंट तो 150% को डिवाइड करूंगा मैं 100% से ये आ जाएगा 1.5 टाइम्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.5 टाइम्स एक प्रतिशत अगर मेरा सेल बढ़ रहा है कमॉन बोलिए एक प्रतिशत अगर मेरा सेल बढ़ रहा है तो बदले में ई बी प्रतिशत बढ़ रहा है आई होप एक प्रमाण अगर मेरा होगा का। एक एक गुना अगर सेल बढ़ता है

मार्केटिंग कॉस्ट कौन सी हुई? देखे देखे। सोच के बताओ चलो बाबा की दूरदर्शन पे ऐड आती चाहे जितना भी हो ऐड तो उतनी होगी तो वो तो फिक्स हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ वो तो कॉस्ट उतनी है। तो बाबा क्या बोलेंगे यार एक काम करते ना फिक्स तो एक काम करेंगे आज से मैं सवाल पूछता हूं तो अगर हजार भी बेचा तो मार्केटिंग कॉस्ट उतनी हो रही है अगर मान लीजिए ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं ओके आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जो है या कोई भी कंपनीज है थोड़ा दिमाग ला के सोचिए अपना सेल बढ़ाने की क्यों सोचते इतना मार्केटिंग इतना प्रमोशन इतना ब्रांडिंग क्यों करते वीवो के लिए वो लोगों लो ने आमिर खान को लाया आलिया भट्ट को लाया रणबीर को लाया

और कल हमने इसी चीज को समझने के लिए एक बात और भी करी थी कि अगर हमारा फिक्स कॉस्ट ही नहीं है तो लेवरेज कितना इसका मतलब क्या होगा कॉस्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब आपका वन होगा लेवरेज यानी कि उसका मतलब यह होगा क्या उसका मतलब क्या होगा कि जिस प्रमाण में जितने गुना आपका सेल बढ़ा है उतने ही गुना आपका ईबीआईटी भी बढ़ रहा है आई होप इट इज डन ये सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही है या इट इज क्लियर

कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फिक्स कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है जिनको फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ता है और वाई कंपनी एक्स कंपनी मानते हैं और वाई ऐसे दो एग्जाम्पल लेते हैं, भाई चालू हो जाओ क्या हो गया उसको दो कंपनी है देवांशांपल तो लिया था कभी कभी कुछ कंपनी के फिक्स कॉस्ट ज्यादा होते हैं कभी कभी कुछ कंपनी के फिक्स कॉस्ट कम होते हैं आप मुझे बताएंगे किसका लेवरेज ज्यादा होगा तो जिसका फिक्स कॉस्ट ज्यादा उसका लेवरेज यानी कि उसका रिस्क ज्यादा है। है। ऐसे कंपनी में हमने बहुत सारा पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए मतलब बीइंग एन इन्वेस्टर हमने ऐसी कंपनी चूज करना चाहिए जहां पे लेवरेज कम हो, कम हो। तो इसीलिए आज के बाद में कोई कंपनी के बैलेंस शीट पे हम लोग देखते हैं तो जरूरी इस बात को ध्यान रखें कि उसका लेवरेज कम हो यानी कि अगर आपको दो कंपनी के चॉइस मिल रही है इसका ज्यादा कम तो आपने प्रेफर करना चाहिए हाँ, अगर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और मैं रिस्क लेना चाहता हूं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर कंपनी हैविंग व्हाट मोर लेवरेज पर जब हम लोग एक वर्ड है जिसका नाम है कॉन्जरवेटिव सोच अगर हमारे सोच कॉन्जरवेटिव है और हमें लगता है कि रिस्क मुझे लेना नहीं है इसीलिए हमने उसी कंपनी पर दाव लगाना चाहिए जिसका जिसका कम 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 है, है, यानी यानी कि कि जिसकी कम कि जिसका सेल कम भी हुआ, तो बहुत नुकसान में नहीं जाएगा। पर सोचो बताओ, लॉकडाउन के समय पे कौन से के हाल, हाल जिसका, है। जिसका, बहुत हुआ। जिसका है, कि के तीन महीने हुए और इसका रेंट भी चालू इसका इंटरेस्ट भी चालू इसका मीटर सब चालू इसकी एम्प्लॉय की सैलरी चालू तो सोचो इंसान तो बर्बाद ही हो गया क्योंकि सेल जीरो है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है इसलिए ऐसे धंधे काफी बर्बाद हुए होंगे जिनका कॉस्ट और जिनका फिक्स कॉस्ट नहीं हुआ होगा तो बच गया होगा मतलब काफी हद तक उनको इतना टेंशन नहीं ठीक है भाई तो इसीलिए जिसका लेवरेज ज्यादा होता है जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होती है लॉकडाउन के समय पे और जब धंधा मंदा हो जाता है ना उनको बहुत मार पड़ती है है ना इसलिए बोलते ना आजकल धंधा चल रहा नहीं तो जिसका दंदा, जिसका दंदा, जिसका धंधा धंधा जब चलता नहीं है और जिसकी फिक्स ज्यादा होती है उसको माप बहुत पड़ती है पर जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होती है तो लॉकडाउन भी हो जाए धंधा मंदा भी जाते तो उसको फर्क पड़ता नहीं है ओके आई होप इट इज डन अब मैं आपको एक यहां पे स्क्रीन पे कहीं एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने ले जा रहा हूं कॉन्सेंट्रेट करना मैं आपको दवा पे ले जा रहा हूं अभी चीज आपको लिखना पर पहले आपको समझना पड़ेगा जान से देखना अब आपको यहां पे दो फॉर्मूले नजर आ रहे होंगे के ओके दो फॉर्मूले को देखा है और आप मुझे बताओ ये जो लेवरेज है वो शब्द क्रिएट क्यों हुआ दुनिया में लेवरेज और चैप्टर ही नहीं होता अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से एडवांटेज होता है

कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी e आपके सामने स्क्रीन पे दोनों के बीच का गैप क्या है फिक्स कॉस्ट इसका मतलब जब मैं कंट्रीब्यूशन कह रहा हूं वही हजार का है फिक्स कॉस्ट मेरी चार सौ की है एग्जांपल। भाई क्या हो गया जो मेरा पेन नहीं चल रहा है एक मिनट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बंद करवा के और चालू करवा दू शायद सही चलेगा पेन की बैटरी तो नहीं बैटरी कभी कभी होता है ऐसे मैंने पीछे देखा था ऐसे समय पे क्या करना चाहिए भूल गए हमें क्या करना चाहिए ओके 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 हम्म 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 निकाल के वापस चल दूं। ट्राई करता हूं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम होती है टेक्नोलॉजी उम्मीद है इस से चल जाना चाहिए ओ चल वेरी गुड चल अब आगे आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं मैं आप जरा सोचिए ये है मेरा सेल्स कितना है 1000 वेरिएबल कॉस्ट कितनी 400 बचे कितने 600 जिसको हम लोग कहते हैं माइनस कर रहा हूं दो 200 सब सारी चीजें फिगर काल्पनिक है और यहां पे जो आ रहा है वो ईबीआईटी आ रहा है एक सवाल मैं आपसे आप थोड़ा सोच के बताइए कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में एग्जैक्ट फर्क क्या हो रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी में फर्क और ओनली डिफरेंस फिक्स कॉस्ट इसलिए फॉर्मूला बना दिया गया कॉन्ट्रीब्यूशन डी ओ एल का मतलब है टेकिंग दफ्स कॉस्ट ये बराबर है और ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं डॉल इस वर्ड का मतलब ही देखता हूं तो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ स्कॉटिस के दो फॉर्मूला बनते मेरे सामने और दोनों फॉर्मूला यही दर्शाते हैं कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कितना फायदा हुआ तो यहां पे मैं देखता हूं यहां पे मैं लिखता हूं क्या लिखता हूं ई बी आई टी आप बताइए सब फॉर्मूला सही है क्या नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था मेरा पे छह सो और ईबीआईटी कितना है ईबीआईटी है मेरे पास चार सो

मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है छह सौ और मेरा ई कितना है वो भी है छह सौ यानी कि ये क्या हो जाएगा मतलब यहां समझ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होने की वजह से आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा इस फॉर्मूला को हमने प्रूव कर दिया करेक्ट टू अंडरस्टैंड एक लेवरेज है इसका मतलब जितने प्रमाण में आपका सेल बढ़ उतने ही प्रमाण में EBIT हुआ, आपका एबीआईटी होगा इसलिए आपका लेवरेज वन हुआ वन का मतलब ही यहां पे आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा

मतलब ए का आंसर इस फॉर्मूला से एक के ऊपर आना चाहिए और बी का आंसर एक ही आना चाहिए अगर ये फॉर्मूला ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब फॉर्मूला सही है तो अपन देखेंगे तो ये डॉल का कंपनी ए और कंपनी बी हमने दोनों का डॉल निकाला कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट लिबी छो पॉइंट चार सौ आ गए वन पॉइंट फाइव और यहां पर छह सौ पॉइंट यहां पर आ गए वन यानी कि फॉर्मुला इज रियली वर्किंग प्रॉपरली अब आपके पास में दो फॉर्मूला मिल चुके डॉल के आपके पास में पहला फॉर्मूला है कितना परसेंटेज चेंज मेरा सेल हुआ तो बदले में कितना परसेंटेज मेरा ईबीआईटी e चेंज होता है ये फॉर्मूला वन और फॉर्मूला टू इज व्हाट कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआई बोलो देवाश दोनों फॉर्मूला कौन से होते नंबर वन इतना परसेंटेज मेरा सेल चेंज हुआ तो बदले में कितना परसेंटेज मेरा ईबीआईटी e e होगा और दूसरा फॉर्मूला कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन तो ये फॉर्मूला रटने की जरूरत है, फॉर्मूला को डिराइव करना जरूरी है ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वो को समझना उसको करना जरूरी कि ऐसा क्यों है और हर बार जब एफ में पढ़ते आप तो कोई भी फॉर्मूला को एक्सेप्ट मत करना उसको पहले जानना कि ये ऐसा क्यों है भाई ऐसा क्यों फॉर्मूला है अब आपको समझा ऐसा क्यों आई होप यू अंडरस्टेड दिस ओके आपको लिखना है जल्दी जल्दी ओके okay. आपके सामने स्क्रीन पे जो है आपको लिखना है फास्ट डन या तो आपने लिख लिया होगा अच्छे से नोटबुक बनाइए। इसी नोटबुक में सब कुछ खत्म करना है ओके okay? दो बार ये सारी चीजें बहुत सिंपल होगी अब आपको लेना डॉल्ट मतलब क्या लिखो डॉल्ट इज इक्वल टू व्हाट? टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ब्रैकेट में कौन सा फाइनेंशियली ऑपरेशनल ऑपरेशनल वेरी गुड उसके बाद आपको क्या करना है डॉल लेना है एक साइड में ए कंपनी एक साइड में बी कंपनी और इसी फॉर्मूला से दोनों का डॉल निकालना है अपने आप से निकाले ए का डॉल और बी का डॉल दोनों का निकाले ओके okay. आगे आपका एक एक तरफ क्या है 1.5 और दूसरी तरफ कितना है वन इससे दो बातें प्रूव हो गई है कि फॉर्मूला सही है और इससे बात भी प्रूव हो गई जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट होता है वहां का लेवरेज एक से ज्यादा आता है और जहां पे फिक्स्ड कॉस्ट नील होती है वहां का लेवरेज हमेशा लिखो कंक्लूजन इसके बाद में ये अगर आपका लिखना हो गया होगा तो मैं और ज्यादा दस सेकंड रुकता हूं आप मान रहा हूं कि दोनों पहले लिख लिया अच्छे से आपको लिखना है नोटबुक बनाना है ओके आप कंक्लूजन क्या हुआ इफ देर इज अ फिक्स कॉस्ट इफ देर इज अ फिक्स कॉस्ट लेवरेज शुड बी मोर देन वॉट वन मोर देन वन इफ देयर इज अ नो फिक्स कॉस्ट बोला आगे? लेवरेज शुड बी वन शुड right? बी वो एक ही होगा चलो ये बात भी आपको क्लियर है चलेंगे। अब दोनों भी फॉर्मूला अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए मैं आपको समझाता हूं अब दो फॉर्मुला आपने दो दो फॉर्मूले की जरूरत क्या है एक फॉर्मूले से समझा दो ना दो 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 क्यों है एक बहुत ही आसान सा सवाल है मैं आपको एक परिस्थिति निर्माण करता हूं समझो हमारे पास में यही फॉर्मूला होता चलो मैं बोलता आपको सिल 1000 का हुआ वेरिएबल कॉस्ट 400 की हो गई आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ कंट्रीब्यूशन हुआ है छ का आपका फिक्स्ड कॉस्ट हुआ है 200 का और 400 आपके पास बच गया ये क्या बोलते हैं इसको ईबीआईटी। सोचो so, अगर मैं आपको इसी एक लाइन दे दू बस और आपके पास में अगर फॉर्मूला नंबर टू नहीं होता हा? अगर आपके पास में फॉर्मूला नंबर टू नहीं होता तो आप इसको सॉल्व कैसे करते अगर आपके यही फॉर्मूला होता डीओ एल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन अगर आपको यही दो फॉर्मूला होते यही फॉर्मूला होता तो आप मुझे बताओ इसको आप कैसे करते देव बताओ ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि यहां पे की बात कर रहे हैं और सलाह क्वेश्चन में एक ही कॉलम दिया है अरे मुझे क्या मालूम चेंज क्या हुआ चेंज के लिए मुझे दो परिस्थितियां देना चाहिए पहले एक हजार का सेल था अब दो हजार का हुआ है, चार हजार का हुआ अगर मारे तो क्वेश्चन में दिया ही इतना है तो मैं इसका डॉल निकाल ही नहीं पाऊंगा अगर एक मिनट क्या करूं कॉल किया स्ट्रीमिंग है ये हो रहा है क्या स्ट्रीमिंग hmm. हो रहा है स्ट्रीमिंग में जो व्यस्त व्यस्त दिखा रहा है चालू क्या बस हाँ वही आना चाहिए ठीक है एक बार चेक करो जरा क्या स्क्रीन पे आ गए चलो ठीक है उम्मीद कर रहा है आपको दिख रहा है क्षमा चाहते हैं आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पर फिर से एक बार कहना चाहूंगा ये प्रॉब्लम जब होती तो मैंने कुछ नहीं किया होता है इंटरनेट क्या होता है यहाँ पे फ्लक्चुएट होता है एकदम जीरो जब हो जाता है ना वो कनेक्टिविटी टूट जाती है फिर इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है बाकी कुछ नहीं हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे ये बात कर रहे थे हम लोग तो जब एक ही कॉलम दिया होता है ना उस केस में कंपलसरी आपको फॉर्मूला नंबर टू यूज करना चाहिए फॉर्मूला नंबर वन यूज ही नहीं हो सकता बिकॉज फॉर्मूला नंबर वन के अंदर ही लिखा है चेंज चाहिए चेंज है चाहिए पर चेंज हो ही नहीं सकता अगर टू कॉलम है अगर मैं आपको कह दू मेरा वेट आज नाइनटी के है बताओ कितना चेंज हुआ तो चेंज के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि पहले कितना वेट था या आगे कितना वेट होने वाला है इसे परिस्थिति अगर एक ही दिए पे इसमें एक ही कॉलम याद रहा एक ही कॉलम दिया है तो आपको फॉर्मूला नंबर टू ही यूज करना पड़ेगा अब देखो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर टू और ये डी एफ एल का फॉर्मूला नंबर वन तो फॉर्मूला नंबर वन के नॉट बी यूज इफ देर इज अ ओनली वन कॉलम और वन कॉलम है तो आपको उस केस में फॉर्मूला नंबर टू का ही इस्तेमाल करना होगा तो बस आपको ये में यहा पे कंक्लूजन हम लोग करना चाह रहे हैं कि कंक्लूजन ये है कि डॉल के दो फॉर्मूला है एक फॉर्मूला वन एक फॉर्मूला नंबर टू और फॉर्मूला नंबर टू क्या है डॉल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन सेल और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे कि डॉल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एबीआईटी ऊपर वाले साइड में और नीचे साइड में परसेंटेज चेंज इन सेल आप बताएंगे दो फॉर्मुला तो हम लोग यहां पे लिखते हैं कब यूज करना चाहिए तो ये कब यूज करना चाहिए व्हेन ओनली क्या वेन ओनली वर्ट क्या दिया हुआ है वन कॉलम वन कॉलम इज गिवन और जहां पे वेन मोर देन वन कॉलम इज गिवन समझ गया मैं क्या बोल चाहता हूं पर मुझे एक बात भी आपको है, ना है ये सेल अगर मान लो दो कॉलम दिए हैं तो क्या टू यूज कर सकता हूं सलाह एफ टू तो जोकर के जैसा है वो किसी भी जगह पे यूज हो जाता है चाहे एक कॉलम हो चाहे दो कॉलम हो अब दो भी कॉलम में तो मैं दो डॉ निकाल सकता हूं वहां पे yes, yeah? तो दिस ये तो वन कॉलम में भी यूज होगा और दो कॉलम में भी यूज होगा तो यहां पर लिखा हूं मैं यहां पर और लिख दो ढंग से टू कॉमा थ्री कॉलम्स तो इसलिए फॉर्मुला नंबर टू हम बहुत ज्यादा हाईली यूज होता है जब हम लोग प्रॉब्लम की बात करेंगे तो बार बार कौन सा यूज होगा फॉर्मूला नंबर टू यूज़ होगा फॉर्मूला नंबर वो इसी जगह पे होगा जहां पे uh -huh. दो कॉलम्स दिए होंगे तीन कॉलम्स देंगे उसी तरह से अब से, अभी क्या है अभी आपको लिखना है जो मैंने लिखा है पर अब इसका प्रैक्टिकल यूसेज कैसा होगा इस हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर वन पे आज हम लोग लेवरेज का पहला क्वेश्चन बस इसके ठीक बात चालू कर रहे हैं तो आप पहले ये खत्म करो फिर हम तुरंत चालू करें तो आपको लिखना चालू करो फर्स्ट हरिया ये लिखना चालू करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन क्या लिखना सेल क्यों लिखा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी मिस्टेक सॉरी बराबर जो भी लिखा है आपको लिखना है जल्दी से का मतलब कॉलम है ठीक है ना ये आपको लिखना <स्थाथ> डन ये हो गया अगर ये हुआ है तो हम लोग जाएंगे अब क्वेश्चन नंबर वन पे और क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा अब देखते हैं कितना आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अभी तक का जो तो नॉलेज है वो नॉलेज यूज करने का समय आ चुका है क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा अब और फिर से एक बार कह देंगे इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है आपके इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं डाउनलोड करें और उसको उसको आप प्रिंट ले सकते हो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने न्यू प्रोडक्ट इट्स वर्ड ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट इफ द आइटम इज कितने बोल रहा है 14. और कितने क्वान्टिटी से लुई? 20, कि आपके आसमें जब भी एफएम की क्लास करते हो आप कैल्सियम होना जरूरी है ठीक है ना याद रखिए बस 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो बताएंगे कितना आंसर आएगी कितना सेल हुआ? तो एटी 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 सेल हुआ? हुआ। लाख माइनस कौन कॉस्ट करेंगे? जो नौ रुपए पर यूनिट यूनिट दिया है और कितना यूनिट सेल किया हमने ट्वेंटी ट्वेंटी तो वन एटी था। था। तो लाख माइनस हो जाएगा तो लाख अभी तो हम लोग रफली कर रहे हैं कितना दो अस्सी सेल हुआ सेल हुआ कितना बचा कितना वन क्या है वन लैख कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या दी फिक्स कॉस्ट दी नहीं है <laughs> यही तो आईसी का गेम प्लान है उन्होंने क्या बोला है ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि कॉस्ट आपको बताना है फिक्स कॉस्ट जानने के बाद में आपका एबीआईटी कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए तो बताओ बच्चों फिक्स कॉस्ट कितना होगा बैलेंसिंग फिगर ये जीरो हो जाएगा अगर मान लीजिए इसका ए जीरो है और कंट्रीब्यूशन एक लाख है

डॉल चाहिए पच्चीस और डॉल चाहिए तीस का और फिर आप बोलेंगे बीस का क्यों कर रहे हैं बीस का करके हमें फिक्स कॉस्ट मिलेंगे और वो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स फॉर ट्वेंटी थर्टी थाउजेंड फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्सड तो इसलिए हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे चार कॉलम कितने एक पर्टिकुलर बीस हजार पच्चीस हजार तीस हजार तो पहले सुंदरता से क्वेश्चन नंबर वन लिखिएगा क्वेश्चन नंबर वन और लिखो ऑब्लिक करके पेज नंबर 3.6 ये आपके बुक का 3.6 बिकॉज़ अभी आप रजिस्टर पे लिख रहे हो कल चल के आपको देखना है ये क्वेश्चन कौन से पेज पे था तो इसका बुक का पेज नंबर है 3.6 आप अच्छे से लिखना नोट्स अच्छे से बनना चाहिए कभी भी आपको समझ में आए okay. ओके अब चलो कितने कॉलम्स बना अपने चार कॉलम बना चलो चार कॉलम बना दे हम लोग चार कॉलम बनाते क्या लिखूं यहां पे पहले पर्टिकुलर लिखता हूं फिर मैं बीस हजार लिखता हूं फिर मैं पच्चीस हजार लिखता हूं और फिर मैं तीस हजार लिखता हूं कितना लिखना चाहिए मैंने सेल्स मल्टीप्लाईड पे लिखता हूं एट द रेट ऑफ वॉट फोर्टीन रूपीज तो इसको चौदह से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा दो लाख अस्सी हजार इसको चौदह से मल्टीप्लाई करो बोलो कितना होगा पच्चीस हजार को चौदह से मल्टीप्लाई करो लाख फिफ्टी थाउजेंड और चौदह से मल्टीप्लाई करो तीस को तो आएगा चार लाख बीस हजार बराबर है yes, है अब बात करेंगे वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट की कितनी एट द रेट ऑफ वॉट नाइन रुपीज तो नौ को मल्टीप्लाई करो बीस के साथ में वन लाख एटी थाउजेंड नौ को मल्टीप्लाई करो पच्चीस हजार से टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और नौ को मल्टीप्लाई करो तीस तो दो लाख सत्तर हजार ठीक है अभी क्या आएगा हमें कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा सही है अब आंसर कितना आएगा इसका एक लाख इसका आंसर आएगा एक लाख पच्चीस हजार और इसका आंसर आएगा शायद से डेढ़ लाख बराबर है ठीक yes. है अभी हो अब यह कॉन्ट्रीब्यूशन गया अब माइनस क्या करेंगे फिक्स कॉस्ट कर दो माइनस फिक्स कॉस्ट सर फिक्स कॉस्ट तो मालूम नहीं है अब ब्रैकेट में लिखता है उसके बैलेंसिंग फिगर ठीक है ना और मुझे इसका क्या है मुझे इसका मालूम है 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 और कहता जब सेल होता है तो EBIT जीरो आता है क्योंकि क्वेश्चन में क्या ऑब्वियसली बैलेंसिंग आएगी वन लैख खत्म हो गया अब बताओ कौन मुझे समझदार जवाब देगा पच्चीस हजार क्वानिटी के लिए और तीस हजार क्वानिटी के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी एक लाख होगी बिकॉज फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज सेम तो एक लाख माइनस हुआ तो इसका बचा पच्चीस हजार इसका कितना हुआ पचास हजार हो गया अब आपको क्या निकालना आप तो सारी चीजें मालूम है अब आपको डॉल निकालना है अब सर डॉल कैसे निकालेंगे दोनों जब एक से ज्यादा कॉलम होते हैं आप फॉर्मूला नंबर वन भी यूज कर सकते हैं और टू भी एक काम कर देखिए सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगता है टू तो लेट्स यूज टू क्यों परेशान होने का है तो चलो एफ टू का फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी उसने हमें डॉल पहले कॉलम का नहीं पूछा है अब निकालो कॉलम नंबर टू और कॉलम नंबर थ्री का कितना आएगा डॉल कंट्रीब्यूशन कितना है एक लाख पच्चीस हजार ईबीआईटी कितना है, कितना है? तो यानी कि आंसर कितना आएगा पांच।, पांच और इसका कितना आएगा आंसर थ्री बिल्कुल सही डर है समझ में आ रहा है डॉल को यूज करके हमने कॉन्ट्रीब्यूशन अप ऑन ईबीआईटी निकाला कॉन्ट्रीब्यूशन आपको समझ गया था ईबीआईटी e हमने निकल लिया एंड यू गॉट द आंसर राइट तो बनती क्वेश्चन हमने फॉर्मूला नंबर टू को यूज करना चाहिए जो काफी मतलब बहुत आसानी से हो जाता है आ, और कभी कभी एक ही कॉलम दिया तो वहां पर वही मजबूरी है पर अगर आपके पास में अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन भी देख सकते हैं जहां पे दो कॉलम को यूज करके हम लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं ठीक है ना दो कॉलम से भी निकालेंगे तो अपना आंसर वो भी आ सकता है तो चलो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल आपको समझ में आया होगा ठीक है ना ओके समझ आएगा इस कोई प्रॉब्लम no, एक मिनट यहां पे आप देख सकते हैं ये फाइव टाइम्स थ्री टाइम्स जो है स्क्रीन पे भी मैंने लिखे निकाला था पर कोई बात नहीं इसकी जरूरत नहीं हमें ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे अब हमें अगला पार्ट पढ़ना जिसका नाम है फाइनेंशियल लेवरेज जब मैं फाइनेंशियल लेवरेज ये आपका सबका यह हो गया आपका जो भी है yes. जो हो गया ना इसमें पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया आपका लिखना हो गया मैं उम्मीद कर रहा हूं आपका हो गया पर ना मैं दो मिनट रुक सकता ऐसा कुछ नहीं एक बार देख लीजिए और जब भी हम लोग लेवरेज लिखते हैं तो उसको टाइम्स में लिखते हैं इसका फाइव का मतलब क्या और थ्री का मतलब क्या है राइट टाइम्स का मतलब है अगर सेल आपका एक गुना बढ़ा तो बदले में आपका जो बोलो बोलो क्या क्वेश्चन e मतलब तो किया अब मुझे आने वाले हर क्वेश्चन के लिए डॉल के साथ में एग्जामिनेशन में डॉल भी पूछते डीएफएल भी पूछते डीसीएल एक ही क्वेश्चन में भर देते आपको अब इसके बाद क्वेश्चन को कॉम्बो में पूछेंगे आपको

और फिर क्या आता है ई e एट ये सारी बातें आपको समझ में आना जरूरी है ठीक है ओके अब ये अगर मैं चीज आपसे कहता हूं तो आप मुझे बताएंगे यहां पे जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो निर्माण होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस की वजह से पर जो डीएफएल है वो निर्माण होता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की वजह से आप मुझे बताओ ये जो ऊपर वाला एरिया है इस, इस फिक्स कॉस्ट को, को क्या नाम दूंगा ये है ऑपरेटिंग वाला फिक्स कॉस्ट और जो इंटरेस्ट है ये है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बोलो किसका यानी कि चुकाना ही पड़ेगा आपका फर्क पड़ता नहीं है तो इंटरेस्ट की बात है अब ये बात आपको हो हो अब से बताना मुझे कि कोई भी इंसान जिसने बहुत ज्यादा डेट लेके रखा होगा उसने क्या करना चाहिए ज्यादा सेल क्यों करना चाहिए बिकॉज वो सेल ज्यादा नहीं करेगा तो क्या होगा उसका इंटरेस्ट तो बैंक को भरना ही है इसलिए लोग जिन लोगों ने बैंक से बहुत डेट लिया होता है चलो बात करते हैं आज, आज आ, हमारे किंगफिशर की बात करते हैं। जो डीएफएल को मैनेज नहीं कर पाया क्या हुआ आप सभी जानते हैं भगोड़ा है क्या नाम उसका विजय माल है नौ हजार करोड़ रुपए बैंक के लूट कर चला गया क्या किया था इन्होंने नौ हजार करोड़ बैंक से ले लिए तो बताओ इसका फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा था कि कम था जादा बहुत ज्यादा था, था। और अब बताओ पहली बात तो आपने इतना सारा पैसा ले रखा उसका फिक्स्ड फाइनेंशियल इंटरेस्ट कॉस्ट है दे नहीं है आपके एयरलाइन में घाटा आए या आपकी धंधा आपका तो बर्बाद हो जाए आपका से हंड्रेड हो या जीरो हो आपको तो इंटरेस्ट भरना ही है बताओ आप ही बताओ कंपनी बर्बाद क्यों हुई थोड़ा सोचने की बात है यही तो कह रहा है इसका बर्बाद क्यों हुआ बर्बादी की वजह एक ही थी बिकॉज इतनी इतनी लोन लेकर बदले में जितना इनका सेल होना चाहिए था उतना सेल इनका हुआ नहीं और उस वजह से कंपनी को ये प्रॉब्लम हुई इसलिए आप ध्यान में रखिए जो कंपनी बहुत ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फाइनेंस लेकर चलती है वो उतना ही ज्यादा रिस्की बन जाती अगर आप इतना ज्यादा अगर लोन लेके इतना ज्यादा इंटरेस्ट चुकाने का आपका कंपनी का है तो आपका सेल भी उसके प्रमाण में बहुत ज्यादा चाहिए अगर आपका सेल कभी वो गलती से कम हो जाए ना आपका दिवाला होना वही टाल नहीं सकता वही तो हुआ इनका क्या हो भाई किंगफिशर का सेल कम हुआ किंगफिशर का प्रॉब्लम क्या थी वहां का एक ही बंदा मैनेज कर रहा था कौन विजय विजयमाला डेलीगेशन उसको आता नहीं था वो खुद रंगील आदमी वो कभी ध्यान देता है नहीं उसको सब टाइम पास वाली चीजें करता है दूसरी बात उसको कंपनी के अंदर उसने कभी ये स्ट्रैटेजी बनाया कभी पहली बार एयरलाइन लाया एयरलाइन में प्रॉब्लम पहले उसको हाई फंडो नीस्ट लो के लिए लाया बस तू तो ऐसा क्लासिक एयरलाइन बनाया सारी सुविधाएं दी फिर बाद में समझा यार क्लासिक ये कोई फायदा नहीं काम करते इंडिया ऐसी कंट्री ने एक काम करते इकोनॉमिकल बना दे पहले नीच लोगों के लिए बनाए फिर एकदम इकोनॉमिकल बनाए लोग ही कंफ्यूज हो गए कि एयरलाइन का किसके लिए बने फिर पहले लोगों को लगने लगा बहुत अच्छी एयरलाइन है तो बड़े बड़े लोग ट्रेवलिंग करने लगे तब तो तक वो अपने इकोनॉमिकल बना चुका था ना वो इकोनॉमिकल को तो सेटिस्फाई कर पाया निश्च लोगों को सेटिस्फाई कर दिया सारा भी काम अपना डेलीगेशन किया फिर उसने तीसरा एक गलती क्या है मुझे धंधा भी वही और यह सोच लिया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कमांड करेगी इस बंदे को यही समझाने भाई कि हम लोग से इंडिया का एयरलाइन मैनेज ही हो रहा इंटरनेशनल मार्केट क्या और एक समय आया एक समय आया बेवकूफी के हथ देखिए एग्जाम्पल बोल रहा हूं पुणे से दिल्ली जाना है एयरलाइन चल रही है किंगफिशर की एयरलाइन चल रही है एयर डेक्कन की दोनों का मालिक एक ही और दोनों एक दूसरे की कंपटीशन कर रहे आधे लोग इसमें बैठे आधे लोग उसमें बैठे बेवकूफी की हद है मतलब विजय माला ने सच में बड़ा आदमी है यूबी ग्रुप का मालिक है बहुत लोगों को दारू पिलाता है किंगफिशर अपने आप में बियर का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कब्जा रखता है आज दारू पिलाने वाला सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा बियर किसकी बिकती है यूबी यूबी सुना होगा यूनाइटेड ब्रेवरीज ये यूनाइटेड ब्रिटिस बहुत बड़ी कंपनी है जिसका ये सब्सिडरी है किंगफिशर फिशर एयरलाइंस नाम बहुत है उसका वो जान दो वो दारू में पानी में बहुत पैसे कमाता है उसका अलग विषय है अभी हम लोग किंगफिशर एयरलाइंस की बात है इसने किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च करना ही चाहिए था किया तो किया इतनी गंदी स्ट्रेटेजी कभी किए है तुमने ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जिसकी वजह से आपका सेल कम हुआ और दूसरी बात मुझे बताओ जब तुम्हारे पास में डेट का इतना पैसा तुमने को झक मारने के के इतना डेट चढ़ा लिया चढ़ाने और साथ साथ में सेल घटा लिया अब बताओ क्या होगा यह पूरा के पूरा उसका गेम पड़ गया अब क्या हुआ सेल कम अब जब तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा होता है जब तुम्हारा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आपने क्या करना चाहिए आपका सेल बहुत ज्यादा क्योंकि जितने प्रमाण में सेल बढ़ेगा उससे कहीं ज्यादा प्रमाण में इनका इनका ए बढ़ेगा क्या नाम उसका ईबीटी बढ़ेगा. बढ़ेगा पर इन्होंने बढ़ाया तो नहीं बढ़ाया तो नहीं इन्होंने सेल कम किया तो घुस गया ना भाई सेल कम उसमें इंटरेस्ट भी देना है इसका मतलब क्या आपका दिवाला मतलब डिक्लेयर है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी समझना जरूरी है आप देखो विजय माला जी आपने गलती की आपको ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ रहा है ना आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ रहा है ए डेक को एक्वायर करके आपने घोषित कर दिया कि आपको एसएम नहीं आता कि कहां से मुझे पढ़ाना है वापस कितना टाइम हुआ एक मिनट जस्ट ठीक है ठीक डन 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 तो मैं कह रहा था कि भाई साहब विजय माला जी आपको ना ना आपको एसएम आया बिकॉज एसएम में गलती आपने ये करी कि आपने डेक्कन को एक्वायर किया जबकि जो, जो कि आपकी कॉम्प्यूटर कंपनी जो आपकी जैसा रेंज चला रही थी आपने अपनी कंपनी से अपना खुद का कॉम्पिटिशन बढ़ाया दूसरी बात आपको एस एम नहीं आया बिकॉज आपने कभी इकोनॉमिकल चलाया कभी नीच लोगों के लिए लोगों को समझना है कि आपकी क्लासिक वाली कंपनी है आम आदमी की कंपनी है एफ एम आपको आया नहीं बिकॉज आपने जब इक्विटी को इश्यू करके पैसे भारत से लेना चाहिए थे आपने डेट बढ़ाते गए डेट बढ़ाने से आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ते गया और बदले में आपका सेल्स नहीं बढ़ा यही आपसे गलती हुई काश आप एस एम और एफ एम हमसे पढ़ते तो हम आपको समझाते कि आप गलती क्या कर रहे हो सोचो एक सब्जेक्ट जो साठ मार्क का है और एक सब्जेक्ट पचास मार्क का है औका यह है कि इंडिया से भागने की जरूरत आज इंसान के पास सब कुछ है बट स्टिल दिवाला निकल गया बंद हो गई एक जमाने में वीडियोकॉन कंपनी क्या हुआ करती थी उसको फिक्स्ड फाइनेंस को समझा ही नहीं वीडियोकॉन कंपनी का बीस हजार करोड़ का लोन है भाई एसबीआई का दीवारा निकला सोचिए बचपन से कंपनी हम देखते वीडियोकॉन आपने कभी वर्लपुल सुना होगा वीडियोकॉन वीडियोकॉन टीवी ये सब उनके वर्लपूल हो चाहिए था टीवी वॉशिंग मशीन फ्रिज कितना क्या क्या? आज वो वीडियोकॉन डिश टीवी भी आपने देखे हो क्या क्या नहीं चलाए थे वो आप वही मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी कंपनी अभी दिवाला निकल जाता है अगर आपका फाइनेंस ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो फाइनेंस को मैनेज इतनी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मत बढ़ा दो कि आपके सेल्स से वो इतनी ज्यादा हो जाए कि आपके काबू में ना रहे न ने क्या किया वीडियो कॉन की गलती क्या हुई देखो मैं आपको वीडियो कॉन का बता रहा हूँ तो पागल है वो जान वो जान तो अभी इंडिया से अब ये 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 है है हमारे नंदलाल धूत जो है, उनके जो उनके बच्चे हैं इनकी औरंगाबाद में भी फैक्ट्री हुआ करती ये वीडियो कौन का दिवाला निकल गया भाई एनसीएलटी में केस चालू है इनके बैंक को पैसे रिकवरी का नहीं मिल रहा बोल हाथ ऊपर कर दिए जो करना करो अभी कंपनी नहीं रही क्या है ये एक जमाने में आप आसमान में थे अब इतने जमीन पर गिर गया कि आप दिवाला तक निकाल दिया आप कर क्या रहे हो आपको आपको समझना चाहिए जो चीज आपका और अनिल अंबानी में ज्यादा फर्क नहीं, नहीं है वीडियो अनिल अंबानी भी वही करते जो नहीं आए ये कंपनी एक्वायर कर वो कम अरे वो करो जो आप, आपका काम है ना भाई साहब वीडियो वीडियोकॉन आप अगर इलेक्ट्रॉनिक में अच्छा तो इलेक्ट्रॉनिक में रहो ना उसमें और प्रोग्रेस करो आपको क्या जरूरत है माइन्स खरीदने की आपको क्या जरूरत है सिम कार्ड आने की आपको क्या जरूरत है डीटीएच की बिजनेस में आने की आप वो करो ना भाई जो आपका मेन बेसिक जिसके लिए डाने जाते हो अच्छा जो बिजनेस में आपने आगे रहना चाहिए वहां पर आपने आज तक कभी टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट नहीं किया आपने की चीजें ला की, हाँ पे करा के आपने लोगों को दिया अरे अपना खुद का आर एन डी करते आप। आपने एफएम सब्जेक्ट का मिसयूज किया क्या कर रहे हैं आप वहां उन जगहों पे आपने इतना कैश रिच कंपनी हुआ करते थे आप आपने सारी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर आपने बैंकों से पैसे ले लेके उन जगह पे पैसे लगाए जिन जगह पे आपको डालने की जरूरत नहीं जिस जगह पे आपका नॉलेज ही नहीं है हो गए बर्बाद आप, आपको बर्बाद इलेक्ट्रॉनिक ने नहीं किया साहब आपको बर्बाद उन चीजों ने किया जो आपको नहीं आ रही थे। क्या थी क्या जरूरत थी कंपनी को बर्बाद कर दिया आपने यह है एफ आपको समझना चाहिए कि पैसे कहां का एक वो सुभिक्षा भी कंपनी हुआ करती सुभिक्षा साउथ इंडिया की मैं आपको दिखा रहा हूं एक वर्ड आपको जानना है कि एफएम एम सब्जेक्ट की इज्जत कितनी अगर आपको जानना है एफएम एम सब्जेक्ट को क्यों अगर आपको किंगफिशर नहीं बनना है अगर आपको वीडियो वीडियोकॉन नहीं बनना है अगर आपको सुबिक्षा नहीं बनना है आपको अगर अनिल अंबानी नहीं बनना है तो आपको एफ पढ़ना जरूरी है यह सब्जेक्ट की औकात आपको समझाता है कि भाई पैसे कमाना सिर्फ एस नहीं होता कमाने के बाद में उसको सही जगह पर लगाने के एफ एफएम का नॉलेज भी होना जरूरी आई देखो ये, ये बर्बाद एग्जाम्पल देखिए सुभिक्षा उसको लगाना सुभिक्षा ये सुबिक्षा देवान जरा स्क्रीन पे देखने की बात है कि आखिरी सज की औकात कितनी है तो देखिए सुभिक्षा यानी कि बिग बाजार के बाप हुआ करते थे बिग बाजार जिनकी प्रेरणा से चालू हुआ इनका काम सुपर शॉपिंग खोलते थे इनका साउथ इंडिया में काम चलता था बंद होगी कंपनी अब छोड़ दो सोलह सौ आउटलेट खोल दिए क्या गलत किया जरा लाइन पर तो फिर आपको समझेगा क्या लिखा सुभिक्षा वॉज एन इंडियन रिटेल विथ सिक्सटीन हंड्रेड आउटलेट सेलिंग ग्रोसरीज

रिटेल आउटलेट खोल दे, खोल दे, खोल दे इतने रिटेल, रिटेल तो तो बैंकों से लोन ले लेके दुकाने खोली अब आपने औरंगाबाद में भी दुकान खोली पुणे में दुकान खोल दी बॉम्बे खोल दी जयपुर में खोल दी हर जगह पे खोल दी इसमें क्या हुआ हर कोई किराना शॉप को और ग्रोसरी को चलने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है आज दुकान चालू करी कल चलने वाले ऐसे नहीं आपको बहुत सारा स्टॉक मे भी कहीं कहीं पे दो साल लग गए कहीं पे तीन साल लगते दुकान चालू होने के मतलब फुल दुकान में रश होने के लिए या फुल दुकान में गर्दी होने के लिए अच्छा कस्टमर बेस मिलने के लिए आपको टाइम लगता है इन्होंने एक साथ में इतनी जगह पे दुकानें खोल दी वो भी बैंकों से पैसे लेकर और वो दुकानों का माल नहीं का प्रॉब्लम ये हो गई की आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है पर धंधा चल ही रहा उनको लगा था धंधा चलेगा इधर से कमाएंगे बैंक को देंगे इधर से कमाएंगे बैंक को देंगे इधर से दुकान चली नहीं अब बैंक तो छाती पे बैठ गई बैंक लाओ हमारा इंटरेस्ट ये बोलते हैं इंटरेस्ट के लिए पैसा ही नहीं बचा अब बैंक कब तक रुकेंगे एक साल रुके दो साल रुके बैंक ने बोला भाई ये तो इंटरेस्ट देने की औकात नहीं रखता ये प्रिंसिपल अमाउंट देगा क्या करा फाइनली कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया बोले बंद करवा दो भाई दीवारा निकल गया इसके जो सा स्टॉक है उसको बेच बेच के कैसे करके लोगों को पैसे दिए वो भी आधा दूर है अच्छी कंपनी हो अरे भाई जब तुम्हारे मुझे बताओ जब मेरी औकात नहीं मेरे खुद के पैसे ही नहीं है ये कैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि मैं इंटरेस्ट में पैसे ले लेके ले लेके ले लेके ले ले दुकानें डाल रहा अरे जरूरत क्या है यार औकात नाम की कोई चीज होती साहब फाइनेंस को समझिए आप अच्छे ब्रांड हुआ करते थे आपका नाम हुआ करता था आपने इतनी इतनी कम समय में आपने बहुत नाम कमाया था पर आपने मिट्टी में घा दिया ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड दैट्स यू ऑल शुड अंडरस्टैंड बिकॉजेंस एफ एम एफ एम सब की औकात बहुत ज्यादा है सिर्फ धंधा और आपका प्रोडक्ट अच्छा क्या विडियोकॉन का प्रोडक्ट अच्छा नहीं था क्या किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी नहीं थी क्या सुबिक्षा अच्छा नहीं था प्रोडक्ट अच्छे थे एक गलती हो गई फाइनेंस का मिस हुआ

Fixed operational cost. We were taking the advantage of what? Fixed operating cost. Now it's time to take the advantage of what? Financial. Fixed financial. Fixed financial. Fixed financial cost. Advantage. What Advantage of. Kiska advantage? Fixed operating cost. Fixed. दोनों फर्क है। है? समझ में आ रहा है। क्या करना है आपको मुझे बताओ क्या करना चाहिए आपने? जिस, जिन जिन लोगों ने बहुत लिया, क्या करना चाहिए? आप चाहे जितना भी सेल करे इंटरेस्ट तो आपने क्या करना व व इसका कि जितना उतना ही चाहिए इनरेस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल इंटरेस्ट रिमेन सेल बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा इसलिए मतलब क्या आपका सेल एक प्रमाण में बढ़ेगा आपका सेल आपका आउटपुट एक प्रमाण में बढ़ेगा बदले में कई गुना ज़्यादा आपका ईबीटी बढ़ेगा, बात आपको याद रखना है। अंडरस्टैंडिंग दिस टी सीधी लॉजिक की बात है अब वो इंटरेस्ट से पैसे लाए इसका मतलब क्या दुकान चले ना चले इंटरेस्ट तो है इसके बाद मतलब हमारी नीतिमत्ता क्या होना चाहिए मोर एंड मोर जितना सेल करेंगे, कि हमने सेल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए अगर हमने बहुत ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट निर्माण की चाहे वो ऑपरेटिंग की हो चाहे फाइनेंस की कॉस्ट हो फाइना चाहे वो ऑपरेटिंग की कॉस्ट हो चाहे वो फाइनेंस की फाइना अगर फिक्स बहुत ज्यादा है आपने हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आपका सेल ज्यादा होना चाहिए इसलिए दोस्तों आजकल आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखते रेडियो पे हर जगह पे अखबारों में इतनी सारी ब्रांडिंग इतनी सारे मार्केटिंग में इतने बड़े बड़े स्टॉक्स को क्यों लेते हैं लोग क्यों उनको पता है बोलो क्या पता है सेल्स बढ़ाओ और इस लेवरेज का फायदा उठाओ इसका मतलब जो लोग लेवरेज समझते हैं वो बहुत ज्यादा ब्रांडिंग करके सेल्स करवाते हैं ताकि सेल्स बढ़ेगा पर फिक्स okay. so, चलो फार्मूला क्या जाते हैं बोलो फार्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट को एडवांटेज बस लास्ट के पांच मिनट दीज मुझे ज्यादा मुझे पढ़ाना नहीं खत्म कर लिखा है okay. यहां पर

और यहाँ पे लिखता हो इंटरेस्ट अगर मैं यहां पे सेल करता हूं इतना लास्ट वाला एग्जाम्पल वन थाउजेंड इधर भी वन थाउजेंड माइनस करता हूं कॉस्ट यहां पे लिखता हो दो सौ यहां पे लिखता हो दो सौ हो गया आठ सौ ये हो गया आठ सौ ठीक है ना दिस इज वॉट द कॉन्ट्रीब्यूशन नाउ आई विल रिड्यूस द दिक्सड कॉस्ट ये हो गया फोर हंड्रेड ये हो गया मान लो फोर हंड्रेड कितना हो जाएगा ये अभी ईवीआई कितना होगा ये हो गया फोर हंड्रेड

400 अपॉन 400 ये आएगा वन और ये आएगा 400 अपॉन 200 ये कितना आएगा टू आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग बताओ बच्चों किसको लेवरेज मिल रहा है ये दो दो का मतलब क्या हुआ अगर यहां पे बोलो ना यहां पे सेल, सेल एक गुना बड़ा बोलो जल्दी से सेल अगर एक गुना बड़ा है जल्दी हाँ सेल अगर एक गुना बड़ा है तो आपका जो इबीटी है वो दो गुना बढ़ता है मतलब आपका तो आपको समझा ज़्यादा okay, है सक्सेसफुल ओके फाइन ना अभी उम्मीद करो ठीक है ना आपको इसका कंक्लूजन क्या हुआ इसका मतलब जहां पे फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा होती है वहां पे आपका डीएफएल ज्यादा होता है इसका दो का मतलब क्या होगा गुना सेल गुना बढ़ेगा तो आपको ईबीटी दो गुना बढ़ेगा और चार लेवरेज हुआ तो एक सेल एक गुना पड़ेगा एक बात आखिरी में कंक्लूड करें बताओ कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्क लेके चल रही है इसमें इंटरेस्ट वाली कंपनी मतलब ये ऐसी कंपनी है जिन्होंने बहुत सारा लोन निकाल के रखा है तो आज की बात अगर देखना है कि कौन सी कंपनी ने ज्यादा लोन लिया है तो आपको दिमाग लाने की जरूरत नहीं उनका सिर्फ डीएफएल चेक कर ले डीएफएल ज्यादा तो समझ जाना बहुत सारा इन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा ले रखा है और डीएफएल अगर एक है तो समझ जाना इन्होंने इंटरेस्ट पे पैसा नहीं ले रखा है क्लियर है ये मुझे लगता है आपके लिए काफी अच्छा है इतना लिखेंगे और आज का पार्ट हम लोग खत्म करेंगे प्लीज इसको लिखना है आपको जल्दी से ओके राइट ऑन आउंड ऊपर हेडिंग दीजिए डीएफएल हेडिंग दिया आपने एल और लिखो टेकिंग द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फिक्सियल कॉस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ फिक्सियल कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट

आप सभी लोगों से ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ये लाइव स्ट्रीमिंग अगर आपको लगता होगा कि इंटरनेट का प्रॉब्लम आता है ये सब तो आपके इसमें और एक ऑप्शन होता है कि यू कैन बाय पेन ड्राइव फ्रॉम बाई वहां डिरेक्ट्रॉम आपको कुछ नहीं होता डायरेक्टली आपको डेटा पूरा आ जाता है वो प्री रिकॉर्डेड होता है आपको लैपटॉप को लगाना है और चलाना है वहां पे आपको अपने कंफर्ट लेवल पे पढ़ना होता है यू कैन एक्सेस एनी टाइम एनी ठीक है ना मतलब वो कभी भी आप देख सकते हो कहीं से भी देख सकते हो उसमें हमारे इस समय पर ही आने की जरूरत नहीं होती ठीक है ना और ये ये जो है अभी इस समय जो लाइव इंट्रेक्शन चल रहा है तो आपको मैं कहना चाहूंगा ये आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं क्या लग रहे हैं तो आप जरूर मेरा नंबर नोट डाउन करिए मेरा नंबर है एट डबल सिक्स नाइन डबल सिक्स वन टू थ्री फोर रिपीट अगेन एट डबल सिक्स नाइन डबल सिक्स वन टू थ्री फोर इज माई नंबर आप प्लीज आप कहाँ से हो और आपका फीडबैक क्या है आपको दो दिन में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपकी क्या कुछ प्रॉब्लम होंगी तो काइंडली शेयर योर प्रॉब्लम्स और काइंडली शेयर योर फीडबैक आपके दो ऑप्शन है आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये वाली बैच भी कंटिन्यू कर सकते हो दस दिन यहाँ पे चलेगी और दिन से हमारे खुद के प्राइवेट एप्लीकेशन पे चलेगी आपको लगता है नहीं ऐसे मुझे इंटरनेट वाला प्रॉब्लम है और मुझे मंथ्स का वैलिडिटी चाहिए जब मैं जब चाहू जब देख पाऊँ थोड़ा सा मुझे फ्रीडम चाहिए तो आपके इसमें पेन ड्राइव का ऑप्शन भी अवेलेबल है वो तो पेन ड्राइव से आप जब बाय करते हो विद इन सेवन डेज आपको मिल जाती है अगर आप गूगल ड्राइव बाय करते हो तो आपको तुरंत ही उस दिन लिंक मिल जाती है और आप तुरंत चालू कर सकते हो दोनों में पढ़ाने का कोई भी डिफरेंस नहीं है हैविंग यू नो सेम मतलब दोनों का भी इंपॉर्टेंस सेम ही है ऐसा कुछ पढ़ाने वाइज कुछ नहीं है इज नो डिफरेंस एट ऑल यहां पे आपको फील होता है कि आप लाइव हो और यहाँ पे हम लोग लाइव इंटरेक्शन आपसे कर रहे हैं ठीक है ना दिस इज द ओनली डिफरेंस यहां पे आपको फील होता है कि आप एज इन सिटिंग इन द क्लास रूम आपका इसका डिफरेंस है ओके okay? ये आपको लिखना है जल्दी से हो गया लिखे डन yes. तो आपको क्या लिखना है इसमें इसके बाद कंक्लूजन देना उसको कंक्लूजन no. क्या है जब आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होती जब आप कोई रेंट इंटरेस्ट पे पैसे नहीं लेते तो आपका लेवरेज हमेशा और अगर आपने इंटरेस्ट पे पैसे लेते तो इट विल बी ऑलवेज मोर देन वन देखो अगर ये लिखना हो गया हो तो मैं मान के चल रहा हूं लिखना हो गया आपका लिखिए इफ देर इज नो Fixed financial cost. If there is no fixed financial cost, DFL will remain 1. DFL will remain 1. If there is a fixed financial cost, if there is a fixed financial cost, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन है कौन सी कंपनी रिस्क ज्यादा होगी आपको यहां पे लिखना है कौन सी रिस्क ज्यादा लगती है आपको दो वाली या एक वाली दो वाली क्यों वहां पे, पे इंटरेस्ट ना भाई उनको धंधा चले ना चल उनको इंटरेस्ट तो भरना ही है ऐसे <laughs> लोगों से बचे रहना बिकॉज ये लोग अनिल अंबानी बन सकते हैं ये ये लोग मुकेश अमी क्या बोलते हैं ये लोग विजय माले बन सकते हैं ऐसे लोग क्या बन सकते हैं ये जो इस टाइप की जो चीज है ना ऐसे लोग विडियोकॉन बन सकते हैं ऐसे लोग सुभिक्षा बन सकते हैं ये लोगों से डरना बिकॉज इनकी जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ऐसे कई लोगों के दीवारें निकल गए मैं आपको बताऊं पुना जिस शहर में रहता हूं ना इतने बिल्डर्स का दिवाला निकला है ना ओनली बिकॉज़ उनका सेल ही नहीं है और उन्होंने बहुत पैसा बैंक से और प्राइवेट लेंडर से ले रखा है और इंटरेस्ट भी अंडरस्टैंड दे लोग 2% यानी कि 24 24% का ये लोग इंटरेस्ट देते हैं मुझे बताओ इतना फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जिसका ज्यादा होगा और मार्केट ठप है आपको मालूम है जीएसटी जब से आया ररा जब से आया और लॉकडाउन हुआ बिल्डर के हालात खराब है इनकी बिल्डिंग बन चुकी है पर सेल नहीं हुआ इसका मतलब इन्होंने बैंक से लोन लिया है प्राइवेट लेंडर से लोन लिया हुआ है इंटरेस्ट चालू और सेल्स भाई सेल है मार्केट में कोई बिल्डर से पूछो बर्बाद है सारे लोग सारे बर्बाद है सेल नहीं है और इंटरेस्ट चालू ऐसे समय होता क्या है अनिल अंबानी ऐसे समय क्या बन जाते हो लोग विजय माल्या बन जाते इसलिए बिल्डर हर रोज बिल्डर्स बर्बाद हो रहे हैं समझ नहीं कुछ करो इसलिए कोई भी जगह पे पैसे लगाओगे ना आपके आज के आदमी आपके पापा मम्मी कहीं पैसे लगाते हो आप भी लगाते हो तो जरूर उसके मनी कंट्रोल डॉट कॉम में आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूं मनी कंट्रोल डॉट कॉम वहां पर जाके आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हो पैसे लगाने के लगाते नहीं पहले उसके एनालिसिस करो उसका लेवरेज क्या है उसकी बैलेंस शीट को समझो उसके बाद में इस पूरे एफ में हम पूरे बैलेंस शीट को समझना सीखेंगे और हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि हमने कैसे प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को यूज करके अपना खुद का फाइनेंशियल फायदा करवाना है ठीक है ना लिखना डो के नीचे लिखना है मोरकी और यहां पे लिखना है आज के लिए काफी है तो आपके फीडबैक का मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स भी आना चाहिए आपके कमेंट्स आपके फीडबैक हमारी मोटिवेशन होता है एट डबल सिक्स नाइन डबल सिक्स वन टू थ्री फोर ये हमारा नंबर है और थैंक यू सो मच कल मिलेंगे सवेरे दस बजे ई के साथ में थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर बाय बाय लव यू ऑल